नमस्कार, मैं गुनगुन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। भाजपा के स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी, मां भारती संविधान और राष्ट्र को समर्पित है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 से 303 सांसदों का सफर पूरा कर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। पार्टी मां भारती संविधान और राष्ट्र को समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा कि बादशाही मानसिकता वाली पार्टियों को एक बात पता नहीं है कि देश का गरीब और युवा, माताएं, बेटियां, दलित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए खड़ा हुआ है। इन राजनीतिक दलों की हमारे खिलाफ साजिशें चलती रहती हैं। मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर होना पड़े तो कठोर हो। वहीं पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं, एक विचार है जिसका ध्येय राष्ट्र निर्माण है, जल कल्याण है। भाजपा आज से 14 अप्रैल तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। इस दौरान कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर देश भर में अलर्ट, दिल्ली में पेट्रोलिंग, बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। रामनवमी पर देश में कई जगहों पर हिंसा के बाद हनुमान जन्मोत्सव पर केंद्र और राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को खास निर्देश दिए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य के संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों को तैनात करने का निर्देश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तुरंत कदम उठाते हुए हनुमान जन्मोत्सव पर राज्य पुलिस की सहायता के लिए पश्चिम बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की थी। दिल्ली में पेट्रोलिंग जारी रही और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। बिहार में सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो गवाहों की जान को खतरा हो सकता है, इसके साथ ही जांच भी प्रभावित हो सकती है। सत्येंद्र जैन कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था, तब से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि जैन ने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई या खरीदी थी। देश में फिर डराने लगा कोरोना, एक दिन में 5000 से अधिक नए केस दर्ज। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फिर से चिंता का विषय बन रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक दिन में 5,335 नए मामले दर्ज किए गए, जो एक दिन पहले से 20% ज्यादा है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण में एक दिन में 6 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में दर्ज किए गए नए केस का यह आंकड़ा पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। कोरोना के नए मरीजों के सामने आने के बाद एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 25,587 हो गई है। कोरोना के ज्यादातर मामले दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में सामने आ रहे हैं। देश में इस समय कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट 3.32% है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, अब तक 166 प्रत्याशी तय। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी के बीच कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। दूसरी लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम हैं और इस तरह कांग्रेस ने अब तक 166 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले 25 मार्च को 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। कांग्रेस ने कोलार गोल्ड फील्ड निर्वाचन क्षेत्र से एमरूप कला को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस में आंतरिक कलह की खबरें भी सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और अपने नेताओं को टिकट देने की मांग की थी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन, चेन्नई के अस्पताल में चल रहा था इलाज। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में निधन हो गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे टाइगर
जगन्नाथ दा नहीं रहे। आज झारखंड ने अपना महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया। चेन्नई में इलाज के दौरान जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया। जगन्नाथ महतो पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। 14 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें एयरलिफ्ट कर चेन्नई ले जाया गया। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जाना पूरे झारखंड के लिए अत्यंत दुखदायी है। राजनीतिक भिन्नताओं के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उनके जीवटता का मैं सदैव प्रशंसक रहा हूं। अंटार्कटिका में लगातार दूसरे साल सबसे कम बर्फ का बना रिकॉर्ड, 40% तक आई कमी। अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ अपने न्यूनतम स्तर तक पहुँच गयी है। जब से सैटेलाइट से बर्फ के डाटा का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया है, तब से ये लगातार दूसरा साल है जब अंटार्कटिका में बर्फ अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंची है। मीठे पानी की बर्फ की तुलना में यह करीब 0 से 1.8 डिग्री सेल्सियस पर बनती है। समुद्री बर्फ सर्दियों के दौरान तब बनती है जब तक कि अपनी अधिकतम सीमा तक नहीं पहुँच जाती है। इसके बाद फिर गर्मियों में ये बर्फ पिघल कर अपनी न्यूनतम सीमा तक पहुँच जाती है। वैज्ञानिकों ने 1989 में सैटेलाइट के जरिए समुद्री बर्फ का रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। इस साल 21 फरवरी को यहां बर्फ घटकर सिर्फ 18 लाख वर्ग किलोमीटर रह गई, जो 1981 और 2010 के बीच के औसत के करीब 40% कम है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।